नमस्कार दोस्तों, पूरे विश्व में फैली कोरोना महामारी से निजात पाने के लिए कई वैज्ञानिकों ने तरह तरह की दवाइयों का परीक्षण किया, लेकिन जब कोई सफलता नहीं मिली तो आखिरकार सबको टीके यानी वैक्सीन का रुख करना पड़ा। आज की इस वीडियो में जानेंगे दुनिया की सबसे पहली वैक्सीन के बारे में और साथ ही जानेंगे वैक्सीन से जुड़ी कुछ और बातें। पुरानी किताबों में कई सारी संक्रामक बीमारियों का जिक्र मिलता है, जैसे कि चेचक, रेबीज, हैजा इत्यादि। तब इन बीमारियों का कोई इलाज न होने के कारण लाखों करोड़ों जाने गई। संक्रामक बीमारियों से बचने के लिए लोग अलग अलग तरीकों से इलाज करने की कोशिश किया करते, जैसे कि बीमारी में मरीज के प्रभावित अंग को आग से जला दिया जाता। कई बीमारियों को तो ईश्वरीय प्रकोप मानकर लोग खुद को अजीबोगरीब तरीके से यातना देते। इनमें भूखे रहने से लेकर खुद को मारना भी शामिल था। उस समय खुद को मारने वाले लोगों की संख्या काफी बढ़ चुकी थी और ये लोग खुद को लहूलुहान कर लेते। इनका मानना था कि इससे वो बीमारी से बचे रह सकते हैं। दुनिया की सबसे पहली बीमारी चेचक थी। ये बीमारी साफ सफाई की कमी की वजह से फैलती थी। इस बीमारी में शरीर पर लाल दाने निकल आते और पूरे शरीर में खुजली होने लगती। साल 1976 में प्रसिद्ध चिकित्सक एडवर्ड जेनर ने दुनिया की सबसे पहली बीमारी चेचक से बचने के लिए वैक्सीन का आविष्कार किया। चेचक यानी शीतला एडवर्ड जेनर की वैक्सीन के कारण ही आज करोड़ों लोग चेचक जैसी घातक बीमारी से ठीक हो चुके हैं। उस समय रेबीज भी एक जानलेवा संक्रामक बीमारी थी। रेबीज के वायरस पशुओं की लार से फैलते थे और ये पशु इंसान को काट ले तो इंसान भी रेबीज से संक्रमित हो जाता था। आज भी इंसान में रेबीज के लक्षण प्रकट हो जाते हैं तो उसका जिंदा रहना नामुमकिन है। रेबीज की वैक्सीन फ्रेंच वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने खोजी थी। उनकी इस खोज ने मेडिकल क्षेत्र में क्रांति ला दी थी। लेकिन वैक्सीनों की खोज के बाद वैज्ञानिकों के सामने ट्रायल से जुड़ी समस्याएं थी, क्योंकि उन वैक्सीनों के ट्रायल के लिए कोई इंसान तैयार नहीं होता था। तब वैज्ञानिकों ने दूसरा तरीका निकाला और युद्ध में बंदी बनाए गए कैदियों पर जबरदस्ती इसके ट्रायल किए जाते, जिसमें कैदियों को गैस मास्क पहनाकर फ्लू के वायरस शरीर में डाले जाते तो कहीं पर इंजेक्शन के जरिए बीमारियों के वायरस शरीर में घुसेड़े जाते। ऐसे भयानक प्रयोगों के दौरान कितने कैदियों की जान भी चली जाती, लेकिन इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। अगर वैक्सीने ना बनी होती तो दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी इसके अभाव से मारी जा चुकी होती। 70 के दशक में जब चेचक रोग की भयावहता खत्म हुई तब इससे करीब 50 करोड़ लोगों की जान जा चुकी थी। वैक्सीनेशन का श्रेय भी लुई पाश्चर को ही जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया में वैक्सीन को मान्यता इन्होंने ही दिलवाई थी। वैक्सीन जैविक पदार्थ से बना द्रव्य होता है जो शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है। WHO के आंकड़े बताते हैं कि आज पूरे विश्व में 20 से ज्यादा जानलेवा बीमारियों को वैक्सीन के जरिए कंट्रोल किया जाता है। वैक्सीनेशन के कारण ही ये बीमारियां जानलेवा नहीं रही। कोरोना महामारी से निजात पाने का उपाय भी वैक्सीन ही है, और मैं भी आपको अनुरोध करता हूँ कि आप कोरोना वैक्सीन जरूर लगवाएं। इंडियन मेडिकल रिसर्च काउंसिल के मुताबिक वैक्सीन से होने वाले अधिकांश साइड इफेक्ट हल्के ही होते हैं, तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ ही आपके सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। वैक्सीन लगवाएं, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।